आज मैं आ गई मेरे किचन में। तो आप लोगों को पता ही है कि अभी रमजान का महीना चल रहा है, सबको एक टेंशन हो जाता है रोज रोज इफ्तार के लिए अलग अलग क्या बनाए। तो आज मैं लेके आई हूँ इजी टू मेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टी बेस्ट सीख कबाब, जो आपके सारे फैमिली वालों को इफ्तार के लिए बहुत पसंद आने वाला है। तो चलो शुरू करती हूँ रेसिपी। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट ले लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो एक बड़े साइज का आलू को बॉईल करके मैश कर लिया, एक कप मटर बॉईल कर लिया, हाफ कप पनीर को ग्रेट कर लिया, हाफ कप येलो वेल पेपर ले लिया, हाफ कप ग्रीन कैप्सिकम ले लिया और हाफ कप गाजर को ग्रेट कर लिया और हाफ ऑनियन को चॉप कर लिया, कुछ फ्रेश मिंट ले लिया मैंने और कुछ धनिया के पत्ते को बारीक चॉप कर लिया, एक कप ब्रेड क्रम ले लिया हमने और चार ग्रीन चिली का पेस्ट बना लिया और हाफ लेमन जूस ले लिया, हाफ चम्मच नमक ले लिया, दो चम्मच बटर ले लिया और दो चम्मच हम रिफाइंड ऑयल ले लिया और एक चम्मच बारीक चॉप करके लहसुन ले लिया, हाफ चम्मच अदरक को ग्रेट कर लिया। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसमें दो चम्मच ऑयल डाल दूंगी। तो ऑयल गर्म होते मैं डाल दूंगी बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक, हल्का सा भून लेंगे। इसमें मैं डाल दूंगी चॉप किया हुआ ऑनियन और मिक्स कर देंगे। तो हल्का सा भूनते मैं डाल दूंगी मटर और डाल दूंगी येलो वेल पेपर, साथ ही साथ गाजर डाल दूंगी और कैप्सिकम और बॉइल पोटैटो। ब्रेड क्रम और ग्रेट किया हुआ पनीर। तो अभी हल्के हाथों से मिक्स करूंगी। तो अब मैं डाल रही हूं नमक, अब मैं डाल रही हूं हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और दो चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं डाल रही हूँ बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और फ्रेश पुदीना पत्ता और मिक्स करूंगी अच्छे से धनिया पत्ता और पुदीना पत्ते को। तो अच्छे से मिक्स हो गया सारे इंग्रेडिएंट। अब मैं डालूंगी इसमें मैगी मसाला है मैजिक। मैगी मसाला इमेजिक से आएगा टेस्ट बेस्ड कबाब में कमाल का टेस्ट, क्योंकि ये बनाए 10 चुनिंदा मसालों को तसल्ली से भून के, जो बनाता है हर डिश को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैगी मसाला इमेजिक आप आपके रमजान मील्स में जैसे कबाब बिरयानी रोल्स सब में डाल सकते हैं और मेरा वादा है आपकी डिशेस में कमाल का टेस्ट आ जाएगा। मैगी मसाला इमेजिक को अच्छे से मिक्स करूंगी। मैगी मसाला इमेजिक अच्छे से मिक्स कर लिया, अब 2 मिनट पकाएंगे। तो अब मैं हाफ लेमन जूस डाल के मिक्स कर दूंगी अच्छे से। तो लेमन जूस को अच्छे से मिक्स कर दिया, अब मैं गैस बंद करूंगी और थोड़ा ठंडा होने दूंगी। तो सारे वेजिटेबल ठंडा हो गया है, तो अभी हाथ में ऑयल लगा लूंगी अच्छे से और कुछ पोषण हम ले लेंगे और साथ में हम एक एक स्टिक ले लेंगे। पहले हाथ में ऐसे फैला लेंगे और बीच में ये स्टिक बिठा के फिर कबाब का शेप दे देंगे और ये एकदम रेडी हो चुका है। तो एक एक करके सारा पहले मैं रेडी कर लूंगी। तो एक एक करके सारे बेस सीख कबाब मैंने रेडी कर लिया, अब हम फ्राई करेंगे। तो तावे पे अच्छे से पहले बटर का ब्रश कर लेंगे, अगर बटर नहीं यूज करेंगे अब तो ऑयल से भी कर सकते हैं हम। बटर का अच्छे से ब्रश करने के बाद एक एक करके सीख कबाब मैं इसमें बिठाऊंगी और ऊपर से भी हल्का हल्का बटर का ब्रश कर देंगे। 1-2 मिनट सेकने के बाद पलट देंगे। धीरे से पलट पलट के चारों तरफ सेकूंगी
जैसे कलर आ गया एक साइड का वैसे ही कलर आना चाहिए चारों तरफ, तब तक हम सेकेंगे। तो ये चारों तरफ घुमा घुमा के अच्छे से सेक लिया, कलर भी चेंज हो गया। तो एक एक करके मैं अभी उठा लूंगी। तो सारा बेस सीख कबाब मैंने सेक लिया पलट पलट के, 3-4 मिनट लगेगा एक एक साइड को अच्छे से सेकने के लिए। तो सारा मैं निकल रही हूँ और मैं अभी करूंगी प्लेटिंग। तो अब मैं कर रही हूँ प्लेटिंग, एकदम सिंपल और इजी तरीका की प्लेटिंग कर रही हूँ। और मेयोनीज और टोमेटो केचप से साफ कर दिया। तो अब मैं टेस्ट करूंगी गरम गरम बेस सीख कबाब, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है, बहुत ही कमाल की है बेस सीख कबाब। रमदान स्पेशल बेस सीख कबाब रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट पे बताना। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट रेसिपी के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।